हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर शेडो। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल कैंडल, सिंगल कैंडल एंट्री। जनरली बहुत टाइम में हमें क्या मिलती है, हमेशा ज्यादातर क्या दिखती है, सिंगल कैंडल एंट्रीज हमें फाइंड आउट होती है मैक्सिमम टाइम जब हम ट्रेड करते हैं। आपने देखा होगा कि आप लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते हैं, चौक बेस पे एंट्री लेते हैं, बट मार्केट चौक बेस एंट्री लेता ही नहीं और मार्केट डायरेक्ट क्या कर देता है, डाउन की तरफ चला जाता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, वहां पे आपकी सिंगल कैंडल एंट्री ऑलरेडी एक्टिवेट हुआ होती है, जिस कारण क्या होता है, मार्केट आपका उसको टैप करके चला जाता है। तो उसको देखते किस तरीके से, तो उसको पहले हम जानते हैं, फिर हम ग्राफिकली देखेंगे, फिर हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले सिंगल कैंडल के लिए मेक श्योर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले, जब भी आप कैंडल का जोन देखोगे, जब भी आप लोग कैंडल के लिए एंट्री देखोगे, तो उसका जोन जो होता है, 15 मिनट में हमने ड्रॉ किया या 5 मिनट में, जिस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, देन आपको कहीं भी फाइंड आउट नहीं करना है। जब मार्केट आपकी पीआईयू में होगी, आपके मार्केट पीओआईयू में होगी, तभी आप लोगों को अपनी सिंगल कैंडल फाइंड आउट करनी है। ये नहीं कि इधर सिंगल कैंडल देख रहे, इधर आपको जस्ट कहाँ देखनी है, आपका जब मार्केट आपकी पीआईयू में होगी तभी आप लोगों को क्या करनी है, सिंगल कैंडल को फाइंड आउट करना है। सेकंड वन, आपने देखा होगा जब मार्केट आपकी पीआईयू को छू लेता है, चेंज ऑफ करेक्टर कर लेता है, आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर ये इंड्यूसमेंट भी ले लिया, बट इधर क्या है ना, स्टिल सब कुछ मिटिगेट हो चुका है, सारा मिटिगेट है, कुछ भी नहीं बचा है ना, अनमिटिगेट भी गया ना अनमिटिगेट कोई कैंडल बचा है। देन आप इंड्यूसमेंट से ऊपर इस लेवल पे क्या देख सकते हो, अपनी सिंगल कैंडल को फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं आपको लेट्स एक्सप्लेन। ओके वेट अ मिनट, देखो मार्केट आया कुछ इस तरीके से, आने के बाद मार्केट ने आपकी पीआई को टैप किया, टैप करते ही आप लोगों को यहाँ पे सिंगल कैंडल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस लेवल पे आपको क्या करना है, सिंगल कैंडल को फाइंड आउट करना है। सेकेंड वन आपको कब देखना है, सेकेंड वन आपको कब देखना है, जब मार्केट आप लोगों को क्या कर दे, पीआई को छूने के बाद क्या हो गया आप लोगों का, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे आप लोगों को क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन इंड्यूसमेंट ले लिया एज पर एंट्री मॉड्यूल। मार्केट ने क्या किया, हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया। अब वो क्या है, हम अपना ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं कि इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, बट इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक हुआ, देन हम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक बेस पे एंट्री लेंगे। और एक तो ऑलरेडी हमारी यहाँ से एक्टिवेटेड सिंगल कैंडल की, बट इन केस अगर इधर सब कुछ मिटिगेट है, किधर इस लेवल पे सब मिटिगेट है, मिटिगेट मिटिगेट मिटिगेट, इंड्यूसमेंट से ऊपर इधर सब कुछ क्या है आपका, मिटिगेट है, तब हमें क्या करना है, सिंपल वे से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे देखना है, जब ये इंड्यूसमेंट से ऊपर आ जाएगा तो इस लेवल पे आपको क्या फाइंड आउट करनी है, सिंगल कैंडल एंट्री। सिंगल कैंडल एंट्री आपने फाइंड आउट करनी है और अपनी ट्रेड को आपने ले लेना है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यही ट्रेड मिलता है सबसे ज्यादा आजकल मार्केट में, मैं जैसे देख रहा हूँ गोल्ड पे ज्यादातर यही ट्रेड हमें मिल रही है गोल्ड पे, और लोग क्या कर रहे हैं, चौक बेस पे वेट करते हैं, इधर सोचते कोई वो ही नहीं है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, बट एक्चुअल में सिंगल कैंडल की ट्रेड आप लोगों को दे रहा है। तो चलो मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ, तब मे भी आपको क्या होगा, इजी वे में समझ आएगा। सबसे पहले ये आपकी हायर टाइम फ्रेम की पीआईयू आप लोगों ने क्या की थी, ड्रॉ की हुई थी, हायर टाइम फ्रेम की पीआईयू आप लोगों ने ड्रॉ की थी। जब मार्केट आपकी पीआईयू में छू गया, ये 1 मिनट पे स्ट्रक्चर ड्रॉ है, ये 1 मिनट के उस पे स्ट्रक्चर ड्रॉ है। ओके, 1 मिनट पे स्ट्रक्चर ड्रॉ है। पीआईयू में छूने के बाद जनरली हम किस में शिफ्ट होते हैं, 1 मिनट में हम लोग अपना शिफ्ट करते हैं। 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद हम लोगों को क्या देखना है, किस तरीके से हम सिंगल कैंडल को देखते हैं, तो इस ग्राफ में आपको मैं इजी वे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने देखा, देखो इधर कहीं नहीं देखना, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ होगा हम लोगों का, इस लेवल पे क्या होगा हम लोगों का, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, यहाँ क्या हो गया हमारा, चेंज ऑफ करेक्टर। अब बात आती है अगर इस लेवल पे हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, बट हमें एंट्री कहाँ लेनी है और किस तरीके से। देखो पीआईयू में छूने के बाद जैसे मार्केट ने हमारी पीआईयू को छुआ, तो इस पीआईयू के अंदर ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सिंगल कैंडल एंट्री। वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसको देखने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट क्या करे, हाईएस्ट कैंडल, जैसे ये हाईएस्ट कैंडल, तो मार्केट ने क्या किया, इस हाईएस्ट कैंडल को स्वीप किया है, मार्केट ने क्या किया, इस वाली हाईएस्ट कैंडल को जस्ट स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद कैंडल ने क्या करा, इससे नीचे क्लोजिंग दे दी, जैसे आप देख रहे हो इसके हाई को सिर्फ स्वीप किया है और नीचे क्लोज दे दिया, क्लोजिंग नीचे दी है यहाँ पे इससे। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल भी हो सकती थी, मे बी ये ग्रीन भी हो सकती थी, जरूर ये बुल आपकी बियरी सी बने, कोई सा भी कलर कोई मैटर नहीं करता। अभी मान लीजिए मार्केट यहाँ से अप जा रहा था इस तरीके से, मार्केट ने क्या किया, जो सबसे हाईएस्ट कैंडल था उसको सिर्फ स्वीप किया और क्लोजिंग नीचे दे दी, मैटर करता है कि क्या करे वो, जस्ट स्वीप करे, कलर मैटर नहीं है इसमें, पहले आपको बता रहा हूँ, आपको जस्ट देखना है कि इसको स्वीप करे और क्लोजिंग नीचे मिले। किस
किससे नीचे मिले, इसकी विक से नीचे मिले क्लोजिंग, ठीक है। मे भी ये आपकी कोई भी कैंडल हो सकती थी, बुलिश भी हो सकती है, बेयरिश भी हो सकती है, तो इसमें कलर मैटर नहीं करता, बस हाई को स्वीप करे, नीचे क्लोज करे, इसके जो आपकी सबसे हाईएस्ट कैंडल होगी उसके हाई से नीचे क्लोज करे। देन सेकंड पॉइंट क्या देखना है, जैसे इसने हाई स्वीप किया, क्लोजिंग नीचे दी, तो इसका जो ये लो था, नेक्स्ट कैंडल क्या करे, इसके लो से नीचे क्लोज दे। जैसे ये वाली कैंडल ओपन हुई है, ये क्या करे, इसके लो से नीचे क्लोज दे। लो से नीचे जैसे आपको क्लोजिंग मिलती है, देन ये क्या बन गया आपका, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या बन गया आपका, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। और इसमें ना ही आपको वेट करना है कि चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर तो अब जाके हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर तो अब जाके हुआ, बट आपकी क्या हुई, ऑलरेडी एंट्री इधर ट्रिगर हो चुकी है। आपकी क्या हो चुकी है, ऑलरेडी एंट्री इस लेवल पे ट्रिगर हो चुकी है, आपकी तो ऑलरेडी एंट्री ट्रिगर हो गई। अब आप वेट करोगे कि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करेगा, इंड्यूसमेंट लेगा, तब मैं ट्रेड देखूंगा, और इधर तो सब मिटिगेट हो गया, तो क्या करो, सिंपल वेज पे आप देखो, आपको ऑलरेडी क्या है, इधर ट्रेड मिल चुकी है, आपको ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड दे चुका है इस लेवल पे फर्स्ट, ठीक है। सेकंड चेंज ऑफ करेक्टर की भी हम देखेंगे, तो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, देन हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा क्या करें, मार्केट इंड्यूसमेंट ले। अगर इंड्यूसमेंट है, जैसे ये हमारा है, अभी इंड्यूसमेंट है, मार्केट क्या हुआ, इंड्यूसमेंट से ऊपर आया, आने के बाद ये मार्केट ने क्या किया, हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया। तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमने प्रीवियस में देखा कि हमारा कोई जोन है, तो हमने देखा इस इधर क्या हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है, और ये कोई एंट्री नहीं थी, ये जस्ट ऑर्डर ब्लॉक देख रहे थे, जो हम अपना इंड्यूसमेंट से ऊपर वो मिटिगेट था। तो अब हम किस लेवल पे क्या देख के ट्रेड लेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, मिटिगेट था इंड्यूसमेंट से ऊपर, क्या था हम लोगों का, ऑलरेडी मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक से सब कुछ मिटिगेट थे। तो अब हम लोग ट्रेड किस बेस पे और किस तरीके से हम लोग ट्रेड लेंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेता है, आपको क्या करना है, इस लेवल पे सिंगल कैंडल एंट्री फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इससे ऊपर देखना है, इंड्यूसमेंट से ऊपर, नीचे नहीं, इंड्यूसमेंट से ऊपर, क्योंकि ऑल आर मिटिगेट, जस्ट आपको क्या देखना है, फिर अपनी सिंगल कैंडल एंट्री को फाइंड आउट करना है इस लेवल पे, किस तरीके से, सेम इसी तरीके से क्या करे, कोई कैंडल सेम इसी तरीके से क्या करे, जो यहाँ हाईएस्ट कैंडल थी उस हाईएस्ट कैंडल के विक को स्वीप करे, बॉडी क्लोज नीचे करे इस तरीके से, और जो इसका लो था, नेक्स्ट कैंडल इससे नीचे क्लोज हो, देन ये क्या एक्टिवेट हो गया, अब आपका सिंगल कैंडल ब्लॉक। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, अगेन इस लेवल पे अपनी ट्रेड को ले सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को सिंगल कैंडल एंट्री देखना है, दो ही लेवल्स पे आप लोगों को फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मार्केट आपकी पीआईयू में होती है, या आपका इंड्यूसमेंट को स्वीप करता है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में भी इंड्यूसमेंट को स्वीप करता है तो उस लेवल पे भी देख सकते हो, स्मॉल टाइम फ्रेम में भी आप इंड्यूसमेंट पे अपनी सिंगल कैंडल को देख सकते हो, और पीआईयू में तो आप देख सकते हो किस किस लेवल पे आप देखना है। देखो हाई एंड लो स्वीप पे आप देख सकते हो, पीआईयू के अंदर आप देख सकते हो, और इंड्यूसमेंट से अपर साइड आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, पर इंड्यूसमेंट से ऊपर अपर साइड आप फाइंड आउट कब करोगे, जब सब कुछ मिटिगेट हो, कुछ ना बचा हो, तब आपको फाइंड आउट करना है। बट अगर आपके पास जोन बचता है, तो जनरली आप किस में करो, जोन में ट्रेड करो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो मेक श्योर आप लोगों का इजी वे में क्लियर हो जाए। तो ये कुछ पीआईओ ड्रॉ थी, यहाँ पे कुछ ये पीआईओ क्या थी, हमारी ड्रॉ थी, पीआईओ को ड्रॉ किया, पीआईओ ड्रॉ करने का तरीका आप लोगों को पता है प्रॉपर वे से, हमने क्या किया था, पीआईओ को अपने फाइंड आउट किया हुआ था, हमने अपने पीआईओ को प्रॉपर वे से फाइंड आउट किया था। तो पीआईओ को फाइंड आउट करने के बाद चलिए हम इसमें चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देख पीआईओ में जब मार्केट हमारा आ गया, मार्केट क्या हुआ हम लोगों का, पीआईओ में जब आ गया, तो पीआईयू में आने के बाद जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी मार्केट हमारे पीआईयू में आता है, हम स्मॉल टाइम फ्रेम में क्या आते हैं, शिफ्ट होते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद हम जनरली क्या चेक करेंगे, चौक बेस पे एंट्री, या हम किस पे देखेंगे, सिंगल कैंडल बेस पे एंट्री। तो हम एंट्री फाइंड आउट करेंगे कि किस लेवल पे हमें कौन कौन सी एंट्री इस लेवल पे मिलती है, देन हम क्या करेंगे, अपना फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, हम ट्रेड को लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं, 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद हम देखेंगे, सबसे पहले मार्केट ने टैप किया इस लेवल पे, और पुल बैक क्रिएट करने के बाद मार्केट का लो कहाँ था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लो था चेंज ऑफ करेक्टर के लिए, तो मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, तो चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड है स्टिल, और आप देख सकते हो मार्केट इससे ऊपर गया है, ठीक है। देन हुआ क्या है, अगेन मार्केट ने इससे नीचे क्लोज नहीं किया, इसको भी स्वीप किया, इससे नीचे क्लोज दिया, बट इसका एसएल हिट हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, आपकी सिंगल कैंडल का एसएल हिट हो चुका है फर्स्ट। और ये देखो गेम होती है प्रोबेबिलिटी की, 100% कुछ भी श्योरिटी नहीं होती, मतलब आपके एसएल भी हिट होते हैं, बट आपको पता है आपका कितना स्टॉप लॉस है और कितना आपका लॉस होगा, जिसके कारण जो आपकी साइकोलॉजी रहती है बिल्कुल सही होती है, इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस को यूज करो, ठीक है। सेकेंड, अब मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ होगा, हमारा
इस लेवल पे क्या होगा, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को चेंज ऑफ करेक्टर होगा कि मार्केट जब नीचे आएगा फिर हम ट्रेड किस तरीके से देखेंगे, इंड्यूसमेंट ले एटलीस्ट और फिर हम अपना जोन देखते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं। बट समटाइम आपने देखा होगा जोन में आता ही नहीं और मार्केट चला जाता है। वो होता क्यों है, बिकॉज सिंगल कैंडल एंट्री देके जा चुका है। सिंगल कैंडल एंट्री के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पीआईयू में आने वाली सबसे हाईएस्ट कैंडल को क्या करे, वो स्वीप करे। यहाँ पे क्या हो चुका है ऑलरेडी, स्वीप कर चुका है, यहाँ पे क्या हो चुकी है ऑलरेडी स्वीप हो चुका है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट कैंडल ये थी, इसको क्या करा नेक्स्ट कैंडल ने स्वीप कर लिया। स्वीप करने के बाद मार्केट इसने क्या करा, इसके हाई से नीचे क्लोज भी दे दिया। अब हमें क्या चाहिए कि जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हो इस कैंडल से जिसने स्वीप किया है, इसके लो से नीचे क्या हो, क्लोजिंग दे। अगर हम नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, लो से नीचे क्लोजिंग नहीं दी, सिर्फ इसकी विक स्वीप करी है। क्या करिए, इसके एक विक को स्वीप किया, अब वीक को स्वीप कर लिया, अब हमें क्लोजिंग किससे नीचे चाहिए, इससे नीचे। हम देन देखेंगे ओके ओके मार्केट ने क्या किया, इससे नीचे आपको क्लोजिंग दे दिए, तो ये क्या बन गया आपका, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है ये। अब यहाँ पे अगर तो डायरेक्ट एंट्री लग जाती है, मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट आया तो आप डायरेक्ट एंट्री लो। चेंज ऑफ करेक्टर का इसमें कोई वेट नहीं होता कि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करे या आप इंड्यूसमेंट ले, यहाँ पे आपकी क्या होती है डायरेक्ट ट्रेड। स्टॉप लॉस सेफर साइड, ठीक है, स्टॉप लॉस हमेशा सेफर साइड लगाओ और टारगेट आप अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ले सकते हो, मे बी ओके। और जो मेन टारगेट रहता है हमारा, मेजर लो हमारे क्या रहते हैं, मेन टारगेट हम लोगों के रहते हैं, जो हमारे मेजर लो रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मेन टारगेट। तो इसका अगर लो चेक कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके देखिए ये इंसर्ट है, ये हमारा इसके पहले वाले ये वाले जोन को हम क्या करते हैं अपना टारगेट रख लेते हैं, ब्रेक इवन यूज करते हुए। चलो देखो टारगेट तो हमारा नीचे जाएगा काफी, बट आप क्या करो, फर्स्ट टारगेट ये रखो, सेकंड आप ये रखो, थर्ड आप अपना ये वाला लेवल रखो, फोर्थ आप, मतलब उस तरीके से फाइंड आउट करो जैसे जैसे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो ये क्या करो आप लोग अपना इस पे क्या कर सकते हो, अपना टारगेट आप लोग रख सकते हो कि जब मार्केट में आएगा फर्स्ट टारगेट हम ये रख सकते हैं एज पर 15 मिनट, क्योंकि अनमिटिगेट लेवल यही है, बाकी ऑल आर मिटिगेट। यहाँ पे क्या हो चुके हैं, मिटिगेट हो चुके हैं, ये मिटिगेट है तो ये बचा, तो पहला टारगेट हम ये रख सकते हैं अपना, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये 1:7 ऑलमोस्ट क्या है हमारा, 1:7 इधर है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा एज पर सिंगल कैंडल। और चोक बेस एंट्री अभी इधर क्या हुआ, हमारी एक्टिवेट ही नहीं हुई है, चोक बेस एंट्री हम लोगों की अभी तक यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुई, ये क्या हम लोगों की सिंगल कैंडल एंट्री, सिंगल कैंडल एंट्री हमारी क्या हो चुकी है यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। एंड अभी हम देखते हैं इसको मार्केट ने क्या किया, साथ साथ भी एंट्री को भी क्या किया हमारे, साथ साथ मार्केट ने क्या किया हमारी एंट्री को इधर ले लिया, एंट्री हमारी क्या हो चुकी है साथ साथ एक्टिवेट हो चुका है, और देन हमारा क्या हो चुका है इस लेवल पे चेंज ऑफ करेक्टर भी हो चुका है। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद जनरली हम अब ट्रेड कब करेंगे, जब मार्केट क्या करे एटलीस्ट वन टाइम इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, और इंड्यूसमेंट के बाद हम अपने जोन को देखेंगे जो अनमिटिगेट होगा और उस पर क्या करेंगे हम लोग अपनी ट्रेड को लेंगे। सिंगल कैंडल ऑलरेडी एक्टिवेट है, अब सिंपल हम वेट करेंगे कि मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, देन हम क्या करेंगे अपने ट्रेड को एक्टिवेट करेंगे एज पर सिंगल कैंडल एंट्री। ओके ओके देखो अभी तक कहीं भी एंट्री नहीं, मार्केट ने अगेन एक स्ट्रक्चर दिया डाउन की तरफ ब्रेक, अगेन एक और डाउन की तरफ ब्रेक दिया, तो अब बात आती है कि वेयर आर आवर इंड्यूसमेंट। फर्स्ट हाई आप लोगों को पता, फर्स्ट हाई क्या होता है हम लोगों का इंड्यूसमेंट होता है, ये क्या है हम लोगों का इंड्यूसमेंट। अब जैसे मान लो मार्केट ऊपर आया, मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर आया, इंड्यूसमेंट ले लिया, अब आप फाइंड आउट करोगे अपने जोन को, आप क्या करोगे अपने जोन को फाइंड आउट करोगे, बट आपको क्लियर दिख रहा है, जोन को फाइंड आउट भी करेंगे तो क्या हो चुके हमारे ऑल आर स्टिल मिटिगेट, यहाँ पे क्या हमारे सारे के सारे मिटिगेट हो चुके हैं जोन। तो इस केस में आप लोग क्या करो, जब मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेता है तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद आप लोग जनरली वेट कर सकते हो क्या है, सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने क्या देखी है सिंगल कैंडल को फाइंड आउट किया है, उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे सिंगल कैंडल फाइंड आउट कर सकते हो जब मार्केट क्या करता है ऑलरेडी मिटिगेट कर चुका है सब कुछ, ठीक है। तो अभी हम जनरली वेट करते हैं मार्केट की मूवमेंट हम चेक करते हैं, ओके स्टिल यही हमारा अभी तक रिसेंट हाई है, तो यही हमारा इंड्यूसमेंट है बिकॉज लो यही है, ओके अब इंड्यूसमेंट कहाँ था हमारा इस लेवल पे,
ये क्या मार्केट ने इंगेजमेंट लिया, बिकॉज क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट ने डाउन की तरफ स्ट्रक्चर को ब्रेक दे दिया था, और स्मॉल टाइम फ्रेम में क्लोजिंग का इम्पोर्टेंस ही नहीं है कि क्लोजिंग डे वीक भी होता है तो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। अब ब्रेक करने के बाद स्टिल इससे भी ऊपर कोई भी हमारे पास अनमिटिगेटेड जो नहीं है, तब अब हम क्या करते हैं, हम लोग इस लेवल पे एंट्री ही नहीं ले पाते। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब मार्केट आता है हम क्या करते हैं, इस लेवल पे एंट्री नहीं लेते। मान लीजिए मार्केट आया हमारे इस जोन में, मार्केट क्या हुआ हमारे इस जोन में आया, इस तरीके से इंड्यूसमेंट लिया बट ऊपर सब मिटिगेट है, तो हम क्या करते हैं एंट्री नहीं लेते, हम मार्केट को जाने देते हैं। आपको मार्केट को ऐसे जाने नहीं देना है कभी भी, ठीक है। आप लोगों को स्टिल प्रॉपर तरीके से वेट करना है कि मार्केट क्या करे, उस जोन में आए, जोन में आने के बाद क्या करे, आप लोग एंट्री लो। बट मार्केट ने क्या किया, जोन में मार्केट आया नहीं, मार्केट आपके जोन में ही नहीं आता, और मार्केट ने क्या करा, मूवमेंट दे दी, ये आपका इधर जो जोन है उसमें भी नहीं आया और तब भी मूवमेंट दे दी, तो उस समय भी आपको सिंगल कैंडल कैच करनी है। मैक्सिमम टाइम लोगों की सबसे बड़ी गलती बताता हूँ मैं, लोगों की गलती जो सबसे ज्यादा देखी है मार्केट में, क्या करते हैं, मिटिगेट अगर सब कुछ है तो वो इस लेवल पे ट्रेड नहीं लेते, बल्कि यहाँ से मूव देता है, पर वो किस बेस पे देता है, सिंगल कैंडल, बट लोग नहीं लेते सिंगल कैंडल के बेस पे अपनी मूवमेंट। सेकंड इधर जैसे आपने देखा, सॉरी, सेकंड जैसे आपने यहाँ पे देखा, सबसे पहले आपने क्या देखा, यहाँ पे ये देखा, सबसे पहले आप लोगों ने इस लेवल पे ये देखा कि मार्केट ने क्या किया, हमारी सिंगल कैंडल एंट्री क्या हमारी ऑलरेडी एक्टिवेट है, हमारी सिंगल कैंडल क्या हो चुकी है यहाँ पे, ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है। सिंगल कैंडल जब ऑलरेडी एक्टिवेट है, देन अब चेंज ऑफ करेक्टर इसमें वेट नहीं करते, डायरेक्ट आप लोग एंट्री करते हो सिंगल कैंडल बेस पे, एक एंट्री हमारी लगी हुई है और इस कारण भी मार्केट मूव देता है, लोग वेट करते हैं सिर्फ चेंज ऑफ करेक्टर का। तो बिल्कुल भी आपको यही वेट नहीं करना है कि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करे, आप सिंगल कैंडल का भी यूज कर सकते हो। तो अब देखो जैसे मार्केट ने क्या करा, हमारा इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ने क्या किया, हम लोगों का इंड्यूसमेंट ले लिया, तो हमने देखा कि ये मार्केट यहाँ तक आया, बट इधर कुछ भी अनमिटिगेट नहीं बचा है, सब कुछ क्या इधर मिटिगेट मिटिगेट मिटिगेट। तो जैसा कि आपको ऊपर बताया था मैं, अगर सब कुछ मिटिगेट है तो सेम इसी तरीके से इंड्यूसमेंट से ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिंगल कैंडल। तो हमने देखा मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट से ऊपर वाली कैंडल को क्या करा, स्विप किया, क्लोजिंग नीचे दी, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने भी इससे नीचे क्लोजिंग दे दी। तो ये क्या वर्क करेगा हमारा, अब एक्ट लाइक अ सिंगल कैंडल, तो ये क्या हमारी एक्ट लाइक अ सिंगल कैंडल, और यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट ने साथ साथ इसमें एंट्री दे दी, मार्केट ने क्या किया साथ के साथ इसमें क्या किया, मार्केट ने हमें एंट्री यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया, हमें एंट्री दे दिए, साथ के साथ मार्केट ने क्या किया इस लेवल पे हमें एंट्री दे दिए। और अब देखो अब लोगों की गलती क्या होगी, सिंगल कैंडल के बारे में नहीं पता है तो फर्स्ट उन्होंने ये एंट्री मिस कर दी, सेकंड अब उन्हें इधर कोई एंट्री नहीं मिली बिकॉज सब कुछ मिटिगेट है, बट इधर क्या है, सिंगल कैंडल एंट्री हमारी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है, और लोग क्या करेंगे सिंगल कैंडल को कैच नहीं करते, वो जस्ट क्या वेट करते कि ऑर्डर ब्लॉक में आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, बट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं जनरली, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, और इसका भी टारगेट क्या करेंगे हम, टारगेट सेम रहेगा, सॉरी टारगेट हमारा सेम रहेगा 1:10 एंड 1:7, तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, और इसको अगर हम प्लेइंग कर लेते हैं सिंपल वे में प्ले करके देखते हैं। ओके लिटिल बिट टाइम ज्यादा लगेगा, 5 मिनट में शिफ्ट कर लेते हैं डायरेक्ट दे। ओके देख सकते हो टारगेट क्या हो चुका है हम लोगों के, यहाँ पे टारगेट डायरेक्ट हिट हो गया, हमारा क्या हो चुका है यहाँ पे टारगेट अपना हिट हो चुका है, जो कि हमने फर्स्ट टारगेट रखा था। अब आप ब्रेक इवन यूज करके अपने नेक्स्ट टारगेट को सिलेक्ट कर सकते हो, अनमिटिगेट जोन को नीचे जा जाकर क्या कर सकते हो, आप लोग अपने जोन को फाइंड आउट कर सकते हो और ब्रेक इवन के साथ अपने टारगेट को यूज कर सकते हो। तो इसी के साथ के जो आज का हमारा टॉपिक था सिंगल कैंडल में, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगेन मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे ग्राफिकली, ग्राफिकली हम चार्ट को किस तरीके से देखते हैं, जैसे आपके वीडियो में दिखाया आपको पीआईयू में आने का वेट करना है, पीआईयू में जब मार्केट आ जाएगा तो चेंज ऑफ करेक्टर का वेट ना करो, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री ट्रिगर यहाँ पे हो चुकी है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ हुआ है, तो इतना लेट मूवमेंट हम नहीं करेंगे, हमारी एंट्री ऊपर से ऑलरेडी क्या हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है एज पर सिंगल कैंडल। एंड सेकेंड वन जैसे आपको बताया था अभी वीडियो में भी, आपको एग्जाम्पल दिखाया था क्या था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद सब कुछ मिटिगेट है, तो सिंपल यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने फाइंड आउट करा सेम यहाँ पे भी इसी तरीके से क्या आपको सिंगल कैंडल एंट्री
फाइंड आउट करनी है आपको, सिंगल कैंडल एंट्री क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है इसी तरीके से सेम, और अपनी एंट्री को ट्रिगर करना है। ये नहीं कि आप सिर्फ ब्लॉक टू ब्लॉक की ट्रेड करो। ये देखो आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बताया, ऑर्डर फ्लो प्राइमरीली होता है, ऑर्डर फ्लो बाद की बात आती है, ठीक है, उसका रिफाइनमेंट वर्जन होता है, तो पहले ऑर्डर फ्लो की बात आती है। एंड ऑर्डर ब्लॉक पे आप वेट मत करो कि ऑर्डर ब्लॉक में आता है, कई बार मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में ही नहीं आता या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं होता तो आप लोग ट्रेड नहीं करते। उसका रीजन होता है, अगर ऑर्डर ब्लॉक आपका मिटिगेट हो गया है, ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों क्या है मिटिगेट है, जैसे यहाँ पे सब कुछ मिटिगेट था फिर भी मार्केट ने मूवमेंट दी है, मार्केट ने क्या किया डाउन की तरफ मूवमेंट दी है, तो उसका मेन रीजन क्या था, सिंगल कैंडल। सिंगल कैंडल इधर क्या थी हमारी, एक्टिवेट थी। और बहुत तरीके से हम क्या करते हैं अपना सिंगल कैंडल जोन भी ड्रॉ करते हैं, हाउ टू यूज सिंगल कैंडल जोन 5 मिनट्स के, तो वो चीजें अगर आप लोगों को प्रॉपर वे से डीपली तरीके से एमसीक्यू सीखना है तो आप लोग हमारे मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था सिंगल कैंडल एंट्री यहाँ पे फिनिश होता है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे।